लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। क्या महानगर पालिका सैटेलाइट सिटी नवी मुंबई को डेब्रीज डंपिंग का महा अड्डा बनाना चाहती है? महापे की पहाड़ियों और सड़कों के हसीये में खुलेआम डंपिंग किया जा रहा कूड़ा कचरा इसका बड़ा सबूत देता है। थाने तहसीलदार ने बीते जून में कार्रवाई के लिए इसका पंचनामा किया था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। हकीकत यह है, बीते 6 महीने में अवैध रूप से जमा हो रहे डेब्रीज के चलते 120 करोड़ से अधिक सरकारी राजस्व को चूना लग चुका है। इसके बावजूद NMMC, MIDC और थाने तहसीलदार इसके खिलाफ कार्रवाई को तैयार क्यों नहीं है? सवाल यह है कि महाराष्ट्र के सबसे खूबसूरत सिटी को कूड़ा कचरा से पाटने वाले पर प्रशासन इतना मेहरबान क्यों है? देखिए रिपोर्ट। कौन बना रहा है नवी मुंबई को डेब्रीज डंपिंग का महा अड्डा? क्या नवी मुंबई महानगर पालिका महाराष्ट्र की नंबर वन सिटी नवी मुंबई को डेब्रीज का महा अड्डा बनाने में जुटी है? क्या डेब्रीज नियंत्रण पथक के शहर में डेब्रीज का डंपिंग करवाकर काली कमाई करने में जुटा है? आखिर मुंबई से खुलेआम नवी मुंबई में डंप हो रहा डेब्रीज अधिकारियों को नजर क्यों नहीं आता? जी हाँ, महापे के पहाड़ी इलाकों में खड़े होते जा रहे डेब्रीज के दर्जनों पहाड़ इसका बड़ा सबूत देते हैं। MIDC के सुरक्षाकर्मी की करतूत भी कई संकेत देती है। इसे अवैध डेब्रीज को रोकने के लिए तैनात किया गया है, लेकिन वह जिस तरह खुद पैसे लेकर इन्हें जाने की छूट देता दिखाई दे रहा है, वह यहाँ चल रही धांधली का संकेत देता है। स्थानीय लोगों की माने तो हर दिन यहाँ यही खेल चलता है, तो सवाल यह है कि आखिर वे डेब्रीज माफिया कौन हैं जो नवी मुंबई को खुलेआम डंपिंग सिटी बनाने में जुटे हैं? आखिर वो अधिकारी कौन हैं जो इन डेब्रीज माफियाओं पर इतनी मेहरबानी कर रहे हैं? अब जरा महापे और तुर्भे MIDC क्षेत्र के इस पहाड़ी इलाके पर नज़र डाल लीजिए। यहाँ के ES प्लॉट नंबर 1 से 6 पर डेब्रीज के 10 मीटर से ऊंचे पहाड़ खड़े हो गए हैं। बीते जून महीने में एक शिकायत के बाद यहाँ थाने तहसीलदार ने अधिकारियों के साथ आकर खुद पंचनामा किया था। रिपोर्ट में लिखा गया कि यहाँ 2,53,660 द्रास अवैध डेब्रीज डाली गई है। यकीन के लिए तहसीलदार के इस पंचनामे को भी गौर से देख लीजिए। एक्सपर्ट की माने तो 2.5 लाख द्रास अवैध डेब्रीज डलवाकर अधिकारियों ने 120 करोड़ से अधिक सरकारी राजस्व को चूना लगाया, लेकिन तहसीलदार कार्रवाई की बजाय नोटिस भेजकर खानापूर्ति करने में जुटे हैं। सूत्र बताते हैं कि यह खेल आज भी जारी है, जिसमें NMMC का डेब्रीज पथक, MIDC और तहसील कार्यालय के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। सवाल यह है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो शहर को बर्बाद होने से बचाएगा कौन? बताना जरूरी है कि नवी मुंबई शहर में अवांछित कूड़ा कचरा न जमा हो, इसके लिए नवी मुंबई महानगर पालिका ने उपायुक्त अमरीश पटनीगिरी के नेतृत्व में डेब्रीज नियंत्रण पथक तैयार किया है। 8 अधिकारियों वाले इस पथक पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन परिणाम यह है कि न डेब्रीज डंपिंग थमी है, न डेब्रीज माफियाओं पर कोई अंकुश लगा है। तो सवाल यह है कि फिर इस पथक की जरूरत क्या है? इस संदर्भ में TV1 इंडिया ने तहसीलदार कार्यालय, MIDC और मनपा अधिकारियों से जवाब जानना चाहा, लेकिन कोई भी कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिलहाल सवाल राजनीतिक दल के नेताओं से भी है, जो शहर को डंपिंग ग्राउंड बनता देखकर भी खामोश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।